कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है? रिवीजन हो रही है अच्छे से? बिल्कुल एंजॉय करके रिवाइज करना है सभी कुछ। अब कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए मेरे पास कि सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल्स में, और कुछ स्टूडेंट्स जो आज मेरे पास डाउट्स के लिए आ रहे हैं सुबह से, मोस्टली स्टूडेंट्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के डाउट्स लेकर आ रहे हैं, कि क्यों ना आप लोगों के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के टॉपिक पे ही हेल्प करी जाए। सो मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज स्टार्ट करता हूँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल्स के साथ। So, भाई आप लोग वीडियो को पॉज करके एनसीईआरटी की बुक्स प्लीज ले आइए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहा हूँ, लेकिन उन क्वेश्चंस में ही मैं आपको अप्रोच बता दूंगा, और आपने अगर वो कुछ क्वेश्चंस कर लिए तो वो मोर देन इनफ है आपके परसों के एग्जाम के लिए। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 9.11 क्वेश्चन में आप बुक में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। उसमें क्या है, आपको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एफओ गिवन है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, आईपीस का फोकल लेंथ गिवन है, एंड सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज यानी दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन गिवन है। ओके तो मतलब आपको एल गिवन है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। आपको फाइंड करने को कह रहे हैं कि बताओ यूओ क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, और दूसरा कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन फाइंड करो। तो ध्यान से देखना मेरे बच्चे, यहां जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं होता, यहां पर खेल आपको रे डायग्राम का देखना है। सो एक बार सबसे पहले जब भी कोई माइक्रोस्कोप का या टेलीस्कोप का क्वेश्चन आ जाए तो एक रफ रे डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है। तो मैं पहले यहां पर इसका रे डायग्राम सोचता हूं। हमारे पास यहां दो लेंस हुआ करते, ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसकी एक इमेज बनती थी जो ऑब्जेक्टिव बना रहा, एंड देन ये इसकी एक फाइनल इमेज बना रहा। सो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, यूओ। ये क्या कहलाएगा, वीओ। ये क्या कहलाएगा, यूई। एंड ये क्या हुआ फाइनल, वीई, जो किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा, जो क्योंकि इमेज मैंने अभी कहां पर बनाई है, लीस्ट डिस्टेंस पे, तो इसलिए वी किसके इक्वल होगा, डी। नाउ एम का फॉर्मूला याद करते हैं, हमारे पास है माइनस वीओ बाय यूओ 1 प्लस डी बाय एफवी। ये मेरे पास एम का फॉर्मूला। तो अब अगर मुझे मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है, डी तो मुझे पता है, एफ भी मुझे पता है, अगर ये दो पता लग जाए तो मैं इस फॉर्मूले के हेल्प से इजीली एम फाइंड कर सकता हूं। तो ध्यान से देखते हैं इस डायग्राम को, अगर ध्यान से देखो मेरे बच्चे, आपको ये लेंथ गिवन और आपको वीओ और यूओ निकालना है। अगर मुझे ये पता लग जाए तो क्या मैं वीओ निकाल सकता हूं एल में से? ध्यान से अपने रिक्वायरमेंट देखो, आपको वीओ चाहिए, यूओ चाहिए, मुझे वीओ चाहिए और मुझे ये पूरा पता है, तो अगर ये पता लग जाए तो मैं वीओ पे पहुंच सकता हूं। ध्यान से देखो, अब सोचो ये कैसे निकालूं, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। ये निकालने के लिए मुझे पहले ये चाहिए, तो ये चाहिए के लिए क्या चाहिए, इस लेंस को देखो, क्या आपको इसकी वजह से बनने वाली फाइनल इमेज पता है, वी पता है, क्या आपको इसका एफ पता है, पता है, तो इसका वी और एफ यूज करके क्या मैं यू ही निकाल सकता हूं। तो पहला स्टेप आप उस लेंस के लिए, आई पीस के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करो, वी ई की वैल्यू क्या पुट करोगे, -25, यू ई फाइंड करना है, एफ ई की वैल्यू क्या पुट करोगे, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए प्लस में ही पुट कर दो। सो मेरे पास इन दो वैल्यूज को यूज करके क्या आप यू ई फाइंड कर सकते हो? मैं पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको अप्रोच बता रहा हूं। तो आप जब सॉल्व करोगे यूए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कुछ कर सकते हो ना। अब यूए आपके पास आ गया बेटा, क्या एल में से, सेकंड स्टेप, एल में से अगर मैं यूए का मैग्नीट्यूड घटा दूं, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, जब आप सॉल्व करोगे बेटा यूए नेगेटिव में आएगा। ओके आप साथ साथ करके देख सकते हैं, यूए नेगेटिव में आएगा। तो अगर नेगेटिव में आया तो यह मत करना कि अगर ये 15 है, सपोज करो लेट्स से अगर ये 5 आया, सपोज तो ये -5 आया आपका सॉल्व करने, नहीं वैल्यू ले लो, मैंने सॉल्व नहीं करा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो आपने अगर 15 में से -5 घटा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये 20 हो जाएगा। आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड घटा दिया, 15 में से 5 घटाया, आपके पास 10 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, वीओ की। तो वीओ पता लग गया कैसे निकाला। अब अगर मेरे पास वीओ आ गया है, बचा क्या, सर यूओ बच गया। ध्यान से इस लेंस को देखते, क्या मुझे इसका एफ पता है, क्या मुझे इसके लिए वी पता चल गया, तो क्या मैं यूओ फाइंड कर सकता हूं। सो थर्ड स्टेप, 1/VO - 1/UO = 1/FO। मेरे को वीओ की वैल्यू क्या पुट करूंगा इस बार, जो भी होगी प्लस में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 10 प्लस 10,
ठीक है, यू ओ फाइंड करना है, एफ ओ कितना है 2 सेंटीमीटर, तो वो प्लस में 2 सेंटीमीटर। अब इनको यूज करूंगा तो मेरे पास यू ओ की वैल्यू भी आ गई, अगेन यू ओ नेगेटिव में आया। ओके, सो आप लोग सॉल्व करके वैल्यूज निकालो, मैं आपको सिर्फ अप्रोच सिखा रहा हूं। अब ध्यान से सोचो, अब आपके पास ये सारी वैल्यूज आ गई। अब जब आप यहां पर वैल्यूज पुट करो तो किसी का साइन मत पुट करना, सिर्फ वैल्यू, बीओ की वैल्यू, यूओ की वैल्यू, 1 प्लस डी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज पुट कर देना एंड अल्टीमेटली एम आपके पास नेगेटिव में आ जाए। तो ये आई होप कि पहला सवाल आप लोगों को सभी को समझ आया कि अप्रोच क्या थी इस माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन को करने के लिए। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो एनसीईआरटी में दे रखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो कह रहा है अगर इमेज इन्फिनिटी पे हो तो यूओ क्या होगा और मैग्निफाइंग पावर क्या होगा। तो हम इसको सोचते दोबारा, यू अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट सॉरी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाई लाइक दिस, इन दैट केस ये यू ही होगा क्या? फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो जरूर वो वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए? फोकस पे। तो मतलब ये लेंथ हैप्पी नहीं होगी। सो ये वाला पार्ट तो बहुत आसान हो गया। अगेन सोचते हैं, इस बार एम का फॉर्म है मेरे पास, ये होने वाला, डी पता है, एफ पता है, लेकिन क्या मुझे वी और यू पता है? नहीं पता। So, v और u के लिए सोचते हैं, मुझे लेंथ पता है, v और कैसे निकालो? अब तो दिख रहा है डायरेक्ट, अगर मैं लेंथ में से fp की वैल्यू घटा दूं, v और आ गया। तो बेटे अगर v और आ गया, अब क्या इस लेंथ के लिए f पता है, v पता है, तो क्या मैं u निकाल सकता हूं? सो आई होप कि मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और आप सभी को ये क्वेश्चन इजीली समझ आया। ओके, सो प्लीज एक बार इसे ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जब आपका पूरा सॉल्व हो जाए तब वीडियो रिज्यूम कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9.12। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ गिवन है 8 mm, आईपीस का गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने 9 mm पे रखा हुआ, तो ये यूओ हो गया। कह रहा है लेंथ यानी सेपरेशन निकालना है आपने दोनों लेंसेज का एंड मैग्निफिकेशन या मैग्निफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड करना। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर ये मेंशन नहीं है शायद कि भैया इमेज फाइनल कहां बन रही है। हम ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ते हैं क्योंकि हमने दो केसेस पढ़े, एक तो नियर पॉइंट और एक फार पॉइंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। लेकिन एक बात उसने पहले बोली है कि आपके पास जो पर्सन यूज कर रहा है ये माइक्रोस्कोप, उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और वो शार्प फोकस पे इमेज ला रहा है, तो इसका मतलब जरूर इमेज किस पे बन रही है? नियर पॉइंट। अगेन अगर बाय चांस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें स्पेसिफाई ना हो कि कौन सा केस है, तो आपने नियर पॉइंट वाला ही केस करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगेन बच्चे रे डायग्राम सोचते हैं, रफली ये बनाया जी, ये बनाया जी, ये बनाया जी, ये ऑब्जेक्ट रहा होगा, ये इमेज बनी होगी, एक ये बनी होगी, रफली रफली रे डायग्राम आपने तैयार करना। UO आपको दे रखा है, ये वैल्यू क्या होगी? VO, साथ साथ बोलो, ये क्या होगा? UE, एंड ये क्या हो गया आपके लिए? VE, जो किसके इक्वल है? D के इक्वल। नाउ ध्यान से देखेंगे हम लोग, हमें फाइंड क्या करना है बेटे, L और M। देखो L जो फाइंड करना है तो L के लिए मेरे पास VO चाहिए और UE चाहिए। ओके, और M जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? माइनस VO बाय UO 1 प्लस D बाय FE। अगेन D पता है जी, F ही पता है जी, ये दोनों नहीं पता, नहीं देखो UO भी पता है, ये पता लग जाए तो बात बन जाएगी। एंड यहां पर देखते हैं VO पता लग जाए और UE पता लग जाए तो बात बन जाएगी। तो ध्यान से इस रे डायग्राम में देखो बेटे, पहला इस लेंस के लिए मतलब ये रिक्वायरमेंट है, क्या UO पता है? यस। क्या FO पता है? यस। तो क्या मैं इस लेंस फॉर्मूला के लिए, इस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके मैं VO फाइंड कर सकता हूं? सो 1 बाय VO माइनस 1 बाय UO इज 1 बाय FO। VO की वैल्यू फाइंड करनी है, UO कितना रखे? सर माइनस में 9 या 0.9 सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट FO? FO में गिवन है कितना? 0.8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को यूज करके मैं VO निकाल लूं। अब आ जाओ, VO आपके पास आ गया मेरे बच्चे, अब तो ये तो आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज आ गई, आ जाते हैं इसका। अच्छा एक और बात, ये जब आप फाइंड कर रहे हो, मैंने आपको क्या कहा? VO, UO, D, FE, इन सब की सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, साइन मत सोचना वहां पर। ओके, अपने आप ही आंसर माइनस में होगा।
अब आ जाते हैं एल पे, वीओ पता लग चुका है, यूवी पता लग जाए तो बात बन जाएगी। मुझे इसका एफ पता है, मुझे इसका वी पता है, तो अगेन 1/v - 1/u = 1/f अगर अप्लाई करूंगा, VE की जगह क्या रख दूंगा माइनस में 25, FE की जगह क्या रख दूंगा 2.5, तो क्या मैं UE निकालूं, अपने आप UE माइनस में आ जाएगा। ओके आपने तो मॉड वैल्यू UE की वैल्यू और VO की वैल्यू को ऐड करना है और आपके पास L आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? सो आई होप कि आप लोगों का अप्रोच समझ आ रही हो, ये प्लस माइनस की कंफ्यूजन क्लियर हो रही है कि मैंने कब किसको प्लस लिया और कब किसको माइनस लिया। तो आप इसको भी ट्राई कीजिए, आंसर तो मैच कीजिए एनसीईआरटी के साथ। सो आई होप कि माइक्रोस्कोप के दो क्वेश्चन आपको समझ आए। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो इससे थोड़ा सा हटकर है लेकिन बेसिक्स चेंज नहीं होने वाले हैं। ओके लेकिन वो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आपको कह रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसकी मैग्नीफाइंग पावर आपको 30 गिवन है, 30x लिखा हुआ मल्टीप्लायर है, एफओ गिवन है, एफपी गिवन है। आई होप कि तुम गिवन बोल रहा हूं, सवाल पढ़ के आप ये तो ढूंढ लोगे, इतनी अंग्रेजी तो हम सबकी है। ओके सो अब कह रहा है हाउ विल यू सेट अप दिस माइक्रोस्कोप। अभी हाउ विल यू सेट अप दिस माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, अगर आपने कभी माइक्रोस्कोप यूज किया हो तो हम लोग जो दोनों लेंसेज हैं इस लेंथ को भी एडजस्ट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट के और लेंस का जो ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को भी हम लोग चेक कर रहे होते हैं। सो इसका मतलब वो आपसे पूछना ये चाह रहा है कि एक तो दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये बताओ, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव से कितना दूर रखा जाए, यानी आपको दो चीजें फाइंड करने को कह रहा है, यूओ एंड एल। तो अगेन एक रफ डायग्राम सोचते हैं, आप देख रहे हो मेरी अप्रोच, कोई भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम न्यूमेरिकल अगर आ रहा है तो मैं सबसे पहले रफ डायग्राम उसका बना, ठीक है। अब अगेन मुझे कुछ नहीं बोला हुआ तो मैंने कौन सा केस सोचा, नियर पॉइंट वाला। अगेन ये क्या होगा VE, ये क्या होगा UE, ये क्या होगा VO, ये क्या होगा UO। तो आपको लेंथ निकालना है, लेंथ के लिए आपको क्या क्या चाहिए, VO plus UE। मैं सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट लिख के रख लेता हूं मुझे क्या क्या चाहिए, और मुझे कह रहा है यहां पर कि UO निकालो। देखो ये दो ही चीजें रिक्वायर्ड, तो मुझे UO निकालना है, VO निकालना है, UE निकालना है, एंड आई हैव दीज थ्री थिंग्स विद मी कि M कितना है, FO कितना है, FP कितना है। तो अब इसकी अप्रोच को ध्यान से देखेंगे हम लोग, क्योंकि इस पर M गिवन है, सवाल उल्टा है। अभी तक हमने जो दोनों सवाल करे वहां पर M हमने फाइंड करा था, याद करते हैं ये M MO into ME के इक्वल हुआ करता था, MO इसकी मैग्निफिकेशन into इसकी मैग्निफिकेशन। यहां पर याद करते हैं कि जो ME था वो क्या होता था, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है ऑलरेडी, ये 25 है, ये 5 है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास 6 नहीं आ जाएगा, तो ME आ गया, M टोटल मेरे पास है, क्या मेरे पास MO आ जाएगा। अब यहां पर एक खास बात का ध्यान रखना है कि MO को अगर मैं 5 लिखता हूं तो एक एरर हो जाएगा, और वो एरर क्या हो जाएगा कि आगे अगर मैं इस MO को कंसीडर 5 लेके चलता चला जाऊंगा सब गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्या M की वैल्यू इस ऑब्जेक्टिव के M की वैल्यू प्लस हो सकती है। ध्यान से देखो इसने रियल इमेज बनाई, और अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब मैं शुरू से ही अगर इस पर 30 ना लिख के -30 लिख के चलता तो मतलब बहुत बेहतर रहता। और एक्चुअली आपको पता है कि मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप की मैं नेगेटिव में होती है, तो आप शुरू से इसको -30 सोच के चलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम यहां तक। आगे बढ़ते हैं। सो बच्चे अगर मुझे MO पता है, नाउ सी MO इज VO / U, क्या मैं VO को -5 UO लिख सकता हूं। अब सोचो अगर कोई बच्चा इसमें +5 लेके चलता तो उसके लिए VO की वैल्यू +5 UO आ जाती। अब इसको ध्यान से सोचो इसका मतलब क्या होगा कि अगर U नेगेटिव होता तो V भी नेगेटिव आ जाता, दैट मींस लेंस के अगर जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इमेज उसी तरफ होनी चाहिए, बट क्या ऐसा हो रहा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सिचुएशन बिल्कुल सही है। तो आप अगर रे डायग्राम की इंफॉर्मेशन आपके पास है आप अपने प्लस और माइनस के एरर खुद भी ढूंढ सकते हो। अब बेटे VO आपके पास है, अगर मैं इस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करूं, आई हैव एफओ, इसकी जगह
माइनस फाइव यूओ माइनस यूओ और एफओ की जगह 1.25 यानी 5/4। अगर ये सब को रख के मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मैं यूओ फाइंड कर सकता हूं? इजीली यूओ आ जाए और अपने आप माइनस में आए, यूओ आ गया, सॉल्व कर लेना। यूओ अगर आ गया तो क्या इस इक्वेशन से आप वीओ निकाल सकते हो? वीओ आ जाएगा। तो बच्चे यूओ पे पहुंच गए, वीओ पे पहुंच गए, बचा क्या? यूई। यूई कैसे निकालू? देखो उस लेंस को, क्या आपको इसका डी पता है? वीई, यस। क्या इसका एफ पता है? यस। क्या आप इसके लिए एफ और वी को इसको यूज करके यू निकाल सकते हो? वी किसमें लोगे? माइनस में 25, एफ प्लस में। यूई की वैल्यू अपने आप माइनस में आ जाएगी। एंड एल निकालते वक्त आपने वी और यूई के मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करना है। एक बार बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ गया और नॉर्मल एडजस्टमेंट वर्ड ऐड कर दिया कि यही सब कुछ हो दे दिया, लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट बोल दिया, तो वहां पर इस सवाल में चेंज क्या हो जाएगा? ये 1+d/fe ना होकर सिर्फ d/fe हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर ये 5 आ जाएगा, ये वैल्यू 6 हो जाएगी, बाकी सब प्रोसीजर वही चलेगा। सो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया। So, यहां पर मैंने तीन सवाल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कराए हैं और इन तीन सवालों से अलावा आपको कोई और सवाल करने की जरूरत नहीं है। इन तीन सवालों में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल की सारी अप्रोच पता चल जाएगी। ओके, सो इनको प्लीज प्रैक्टिस करो एंड इसको सोचो, रेड आई खुद सोचो। जो मैंने अभी आपको बताया, कि मुझे किस पर पहुंचना है, मैं कैसे सोच रहा हूं, इसको थोड़ा सा टाइम दो कि ओके मुझे ये चाहिए तो इस पर कैसे पहुंचना है, तो आप लोग इजीली इसे कर सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, करते हैं टेलीस्कोप के क्वेश्चन। 9.13 क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9.13 में मुझे लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि छोटा सा टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर है और आईपीस का फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। कह रहा मैग्निफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप बताओ और व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ना मुझे इस टेलीस्कोप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी कि ये इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है या फार पॉइंट पे बन रही है। मैंने माइक्रोस्कोप के लिए आपको बोला था कि अगर कभी मेंशन ना हो तो आपने नियर पॉइंट वाला केस सोचना है, लेकिन टेलीस्कोप में अगर आपका केस मेंशन ना हो तो आपको कौन सा केस सोचना है? उसे फार पॉइंट। और फार पॉइंट के लिए अगर आपको याद हो, चलो एक आप डायग्राम बनाते हैं। टेलीस्कोप के केस में ये हमारे पास आई रेज इंफिनिटी से ये इमेज बनी और फार पॉइंट के लिए देन इंफिनिटी पे ऐसा कुछ दिखा, तो याद करो ये होता था एफओ और ये क्या है यहां पर एफई। तो बेटे लेंथ यानी सेपरेशन कितना हुआ, सभी को दिख रहा होगा सर, एफओ और एफई की वैल्यूज को ऐड कर दो तो आपको लेंथ आ जाए। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप तो बहुत ईजी हो, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद करते हैं, माइनस एफओ बाय एफई दोनों ही दे रखे हैं। तो क्या आपके पास ये सॉल्यूशन करने की एबिलिटी है? मेरे हिसाब से ये एक मजाक सवाल है जिसको मुझे बधाई भी बताता अगर मैं, तो भी आप लोग कर सकते थे। सो प्लीज टेलीस्कोप के क्वेश्चन से बिल्कुल मत घबराइए, बल्कि टेलीस्कोप के क्वेश्चन माइक्रोस्कोप के कंपैरेटिवली बहुत इजी है। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.34 देखेंगे। 9.34 में अगेन कह रहे हैं कि एक छोटा सा टेलीस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर है, आईपीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। कह रहा व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब ए वाला सिचुएशन हो गया और मैग्नीफाइंग पावर निकालने को कह रहा है, एफओ और एफई की वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर बने तो क्या होगा, तो यार नियर पॉइंट वाली सिचुएशन सोच लेते हैं। नियर पॉइंट वाली सोचते चलो जी ये बनी, लेट्स से ये डी हो गया, एंड इन दैट केस ये एफ ई नहीं रहेगा, अब ये क्या होगा, यू। तो सोचो मैग्नीफाइंग पावर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास ये है, क्या एफ ओ है, एफ ई है, एफ ई है, डी है। अगेन मुझे रे डायग्राम नहीं भी पता होता तो भी डायरेक्ट बस अगर फॉर्मूला याद है आप डायरेक्ट पुट करोगे आपके पास आंसर हो। तो टेलीस्कोप के दो सवाल मैंने डिस्कस कर लिए आपके साथ और इन दोनों में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा था, रे डायग्राम की इंफॉर्मेशन नहीं भी होती तो भी मेरा काम चल जाता। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग टेलीस्कोप का 9.35। बेटे ये दो क्वेश्चन है मेरे पास, एक 9.35 और 9.14।
मोस्ट ऑफ द टाइम अगर टेलीस्कोप से न्यूमेरिकल आया है बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट ये दोनों क्वेश्चन आए, और बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करा मैंने, अब इन क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा रे डायग्राम की इंफॉर्मेशन हम लोग यूज करेंगे। ओके, हमें वो कह रहा है कि एक टेलीस्कोप है आपके पास जो पिछली एक्सरसाइज वाली है, मतलब F4 F3 वो यूज कर ले। वो कह रहा है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस। तो अगर फार पॉइंट वाली सिचुएशन लो तो डायरेक्ट F4 + F3 मैं कर दूंगा और मेरे पास लेंथ आ जाएगी। सपोज अगर मुझसे सेपरेशन पूछता और सपोज ये फार पॉइंट वाली सिचुएशन नहीं होती तो सोचते हैं भाई ये था मेरे पास, ये F4 था। अगर फार पॉइंट वाली सिचुएशन ना लेके नियर पॉइंट वाली ले रहे हैं, ये UE है, तो इन दैट केस F4 + UE होगा मेरे पास। सोचो F4 तो पता है, क्या UE पता है? UE कैसे निकालोगे? ध्यान से सोचो, क्या इसका F पता है? क्या फाइनल B पता है? तो इस वन B और आप F को यूज करके U निकाल सकते हो। सो मेरे हिसाब से ये सिचुएशन भी हम कर सकते थे अगर ये पूछता है, या पूछी नहीं हुई है लेकिन हम पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बी पार्ट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आ चुका है। कह रहा है कि अगर इस टेलीस्कोप को आपने 100 मीटर टॉल टावर जो कि 3 किलोमीटर दूर है उसे देखने के लिए यूज करा, तो बताओ हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हो। सो मैं इसका रफ रे डायग्राम बनाता हूं। ये बनाया, ये बनाया, ये वो टावर है जिसको आप देख रहे हैं जो इससे 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर दूर है। इसकी हाइट दे रखी है 100 मीटर। अब इसने इसकी एक इमेज बनाई होगी, लेट्स से इसको एच डैश मान लेता हूं। कह रहा है ये एच डैश निकालो, ये क्या होगा? F4। मैं इसे क्यों F4 ले रहा हूं? सर यू तो क्लियरली गिवन, फिर भी आप इसे F क्यों बोल रहे हो? ये तो इंफिनिटी नहीं है। लेकिन ध्यान से सोचो मेरे बच्चे, यहां जो F गिवन है वो किनमें है? सेंटीमीटर। तो उसके सामने 3000 मीटर इंफिनिटी यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप जब उसे सॉल्व करोगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली F। ओके, सो अगर मैं इस एंगल पर अल्फा लू तो ये भी अल्फा, तो देखो ध्यान से, क्या मैं टैन अल्फा को 100 मीटर / 3000 मीटर रख सकता हूं, एंड इसी में टैन अल्फा को H - F4 यानी 140 सेंटीमीटर रख सकता हूं। तो ध्यान से इसको देखो, इसे मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो मेरे पास H डैश की वैल्यू 14/3 सेंटीमीटर आ जाए। तो बी पार्ट तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा मैंने, मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया कि रे डायग्राम की अगर इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूं। अब इसी के आगे सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, बोर्ड में जब भी ये सवाल आया इतना ही आया, सी पार्ट भी एक आगे दे रखा है। वो कह रहा है कि बताओ अब जो अगर ये जो आईपीस है हमारे पास जो ये फाइनल इमेज बनाएगा, उस फाइनल इमेज की हाइट कितनी हो, मान लेता हूं H/H। तो ध्यान से इसको देखते हैं, अगर मैं इस एंगल को बीटा मान लूं, ये क्या है? UE है। ये क्या है? फाइनल इमेज नियर पॉइंट में बन रही है तो ये D है। क्या मैं टैन बीटा को H" / D लिख सकता हूं, और क्या मैं टैन बीटा को भी H - UE लिख सकता हूं? H- पता है, D पता है, अगर मुझे UE पता लग जाए तो मैं H" फाइंड कर लूंगा। सो UE कैसे फाइंड करें? ध्यान से अगेन इसी पे आता हूं, क्या मुझे इसका H पता है? क्या मुझे फाइनल B पता है? मैं यूज करके UE निकाल लूं। माइनस का ध्यान रखना, V जब पुट कर रहे हो -25 पुट कर लो। ओके, सो मैं इसको यूज करके UE को यहां पर निकालूंगा। UE की वैल्यू को यूज करना, माइनस या प्लस नहीं, साइन नहीं सोचना, मैग्नीट्यूड सोचना बस। तो हमारे पास H" की वैल्यू आ जाएगी, तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा हो जाता है। ओके, सो एक क्वेश्चन हमारे पास बचता है मून वाला, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। 9.14 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है टेलीस्कोप वाले टॉपिक की अगर बात करो। वो कह रहा है कि जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ F4 गिवन है 15 मीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप? एंगुलर मैग्निफिकेशन आपको फाइंड करनी है, सो -F4/F3, क्योंकि मैंने कहा था जब कुछ क्लियर नहीं है, कुछ केस आपको गिवन नहीं है, तो आप कौन सा केस सोचोगे? उसे फार पॉइंट, तो फार पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या हुआ? ये F4 पता है, F3 पता है, दोनों को पुट करो। पुट करते वक्त ध्यान क्या रखना है?
एफ ओ और एफ ई दोनों सेम यूनिट्स में लेना, ताकि अगर मीटर रखते हो तो मीटर रखना, मीटर से मीटर कट जाए, सेंटीमीटर रखते हो तो सेंटीमीटर रखना, ताकि वो दोनों कट जाए, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर की कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो पार्ट है वो बहुत बार पूछा गया है, कह रहा है अगर इस टेलीस्कोप को हमने यूज करा टू व्यू द मून, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द मून, सॉरी व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्मड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, द डायमीटर ऑफ द मून इज इतना एंड द रेडियस ऑफ द मून। तो अब आपने इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करा एक चंदा मामा को देखने के लिए। So, ये मैंने बनाया लेंस से, ये चांद बनाया, चांद। So, अब ये मेरे पास इस चांद का एक्चुअल डायमीटर हुआ और ये मेरे पास इमेज जो बनी उसका डायमीटर हुआ। कह रहा है इस डायमीटर की वैल्यू फाइंड करो, ये अगर पता हो, ये अगर पता हो तो मैं इसको इजीली कर सकता हूं। देखो ये तो एफ ओ ही होगा। नाउ ये क्या है, ये इस लेंस से मून का डिस्टेंस हुआ एंड एक्चुअली क्वेश्चन में आपको दे रखा रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ कि अर्थ से कितना दूर है आपके पास मून, वो रेडियस गिवन है। तो आपको जो रेडियस गिवन है ल्यूनर ऑर्बिट का उसको आप यहां पुट कर दो। नाउ अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं तो देखो ध्यान से, क्या मैं टैन अल्फा को डी बाय आर रख सकता हूं, तो क्या मैं यहां पर टैन अल्फा को ही डी डैश बाय एफ ओ रख सकता हूं। तो अगर मैं इसको यूज करूं तो डी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी इंटू एफ ओ अपॉन आर। चेक करो एक्चुअल डायमीटर मून का आपको गिवन है, चेक करो ल्यूनर ऑर्बिट का रेडियस आपको गिवन है, एफ ओ आपको गिवन है। तो अगर मैं तीनों को यूज कर दूं तो मेरे पास डी डैश आ जाएगा। अगेन आप कोशिश करें कि सबको ही सेम यूनिट्स में रख दें, मीटर और मीटर एक कट जाएंगे, एक मीटर बच जाएगा। ओके, सेंटीमीटर रखना हो तीनों को सेंटीमीटर में रख दें ताकि वो कटे और आपके पास जो भी आंसर आएगा यूनिट्स का केयरफुली ध्यान रखना है मेरे बच्चे। ओके, सो टेलीस्कोप के मैंने आपको चार क्वेश्चंस बताए, माइक्रोस्कोप के तीन क्वेश्चंस बताए। आई होप कि आप सभी को माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल समझ आए हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, 15 से 20 मिनट मुश्किल से इस वीडियो के बाद आपको टाइम देने की जरूरत है, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड एग्जाम में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल को टैकल कर सकते हो। तो आई होप कि आप सभी का डर जो था वो निकला होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घबराए सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। आई होप कि अब आप लोग सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के न्यूमेरिकल्स को वहां पर कर सकते हो। ओके, सो मैं आपका फिजिक्स गुरु, मैं आपको फिर से एक बार कहूंगा, प्लीज जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं स्ट्रेस फ्री होकर रिवाइज करें, एंजॉय करके रिवाइज करें, नहीं मन कर रहा पढ़ाई करने का मत करिए, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि सबसे जरूरी है मेंटल रिलैक्सेशन। ओके, आप सभी लोग जीत कर आने वाले हो, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कीजिए अपने दो दिन, ये डेढ़ दिन जो भी बचा है इसमें रिलैक्स रहिए। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स। ओके, सो तब तक एंजॉय कीजिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।